get the latest update of our videos, please click the subscribe button and hit the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट टॉपिक पर। ये टॉपिक आपके क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा होने की वजह से मैंने इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मेरा पहला पार्ट जो होगा वो होगा रिसोर्सेज टॉपिक पर, सेकेंड पार्ट जो होगा वो होगा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज टॉपिक पर, और थर्ड पार्ट जो होगा वो होगा सॉइल एज अ रिसोर्सेज टॉपिक पर। तो चलिए आज हम हमारे पार्ट 1 को कंटिन्यू करते हैं। तो रिसोर्सेज, व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज होते क्या है? हिंदी में देखा जाए तो रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन, और संसाधन मतलब जो हमारे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, या ऐसे सामान जो हमारे रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होते हैं। रिसोर्सेज का एग्जैक्ट मीनिंग अगर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज का मीनिंग वो होता है कि हर वो चीज़ जो एनवायरनमेंट में अवेलेबल है और हमारी नीड को यानी हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही है या हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही है, पर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और वो कीमत के हिसाब से भी हमारे लिए फिजिबल है, हमारे लिए फिजिबल होना चाहिए, और वो कल्चरली एक्सेप्टेबल यानी कि वो हमारी सोसाइटी और लोगों के द्वारा एक्सेप्ट की हुई होनी चाहिए, उसे हम रिसोर्स कहते हैं, उसे हम संसाधन कहते हैं। ये रिसोर्स जो होते हैं ये आगे जाके क्लासीफाई होते हैं 2 टाइप में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में हम देखते हैं कि हमारा जो रिसोर्स होता है वो 2 टाइप में, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला तो है आपका नेचुरल रिसोर्स और दूसरा है आपका ह्यूमन रिसोर्स। चलिए अब नेचुरल रिसोर्स के बारे में बात करते हैं। तो एग्जैक्टली नेचुरल रिसोर्स है क्या? तो नेचुरल रिसोर्स के 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। देखिए ये जो रिन्यूएबल रिसोर्स है ये 2 पार्ट का कॉम्बिनेशन है, रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि री यानी फिर से, न्यूएबल यानी फिर से एक नया तैयार हो जाना, यानी ये ऐसे रिसोर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार ख़त्म होने के बाद वापस से तैयार हो जाती है। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी ऐसे रिसोर्स जो एक बार ख़त्म हो गए तो वो वापस से तैयार नहीं होते, या हम कह सकते हैं अगर वो तैयार भी होते हैं तो वो इतना समय ले लेते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग के लिए उतना समय तक रुक पाना मुश्किल होता है। अब रिन्यूएबल रिसोर्स के भी आगे जाके 2 पार्ट होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका कंटिन्यूअस रिसोर्स और दूसरा होता है बायोलॉजिकल रिसोर्स। कंटिन्यूअस रिसोर्स का मतलब ये होता है कि ऐसे रिसोर्स जिनकी मात्रा में कभी कमी नहीं होती, कभी ख़त्म ही नहीं होता, जैसे वाइंड हो गया, वाटर हो गया, ये कभी ख़त्म नहीं होता, ये कंटिन्यूअस चल रहे हैं, है ना। और बायोलॉजिकल रिसोर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें लाइक हम कह सकते हैं कि जिनमें लाइफ होती है, बायोलॉजिकल रिसोर्स है ना जिनमें लाइफ होती है। यही बायोलॉजिकल रिसोर्स आगे जाके 2 अलग कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जो कि एक होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन या फॉरेस्ट और दूसरा होता है आपका वाइल्ड लाइफ। अब हम आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका रिसाइक्लेबल और एक होता है नॉन रिसाइक्लेबल। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यानी जो खुद से तैयार नहीं होते, पर यही नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को हम रिसाइकल कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेटल होता है ना। आपने मेटल जैसे लोहा ले लीजिए, आपने लोहे का कोई सामान बनाया, फिर वो सामान खराब हो गया, जैसे अभी गर्मी है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं कि चलिए कूलर है ना, आपने एक नया कूलर मार्केट से लेके आया, उसे यूज़ किया, जब बाद में वो कूलर की बॉडी ख़राब हो गई, तो ख़राब होने के बाद आप क्या करते हैं उसे, आप उसे स्क्रैप वाले को भेज देते हैं। स्क्रैप वाला क्या करता है, उसे जो भी रिसाइकल करता होगा, तो क्या होता है कि वो लोहे की बनी हुई चीज़ है, वो लोहे की बनी हुई चीज़ है, वो एक बार ख़राब हो चुकी है, अब वो वापस कोई प्रोसेस के लिए चले जाती है और रिसाइकल होके वापस उसमें जो आयरन होता है वो उसका कुछ दूसरा मटेरियल बन के आ जाता है। और कुछ और इसी में एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स,
जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कि जैसे आपके ज़मीन के नीचे आप देखेंगे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल जो आपके अवेलेबल होते हैं, है ना। जैसे पेट्रोल ले लो आप, तो पेट्रोल क्या होता है कि एक बार जहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया वहाँ पे वो रिसाइकल नहीं किया जा सकता। एक बार इस्तेमाल कर लिया आपने तो आप उसे रिसाइकल नहीं कर सकते। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे कोल, आपने कोयला जला लिया, वो कोयला जल के राख बन गया, तो क्या वो वापस हम उसे कोयला बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो ऐसे ही रिसोर्सेज को हम नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं, तो अब हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। तो वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम ह्यूमन बीइंग भी अपने आप में एक रिसोर्स हैं। अब ये ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं ये दो टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, एक तो होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और एक होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एग्जैक्टली क्या होता है कि हम हमारे नॉलेज से क्या करते हैं कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके हम डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी हमारी ज़रूरतों का सामान बनाते हैं, और उन सामान को बनाने के लिए हमें जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ये हमारे रिसोर्स हो गए। इन जगह को भी हम तैयार करते हैं, ये हमारे द्वारा बनाए हुए रिसोर्स हैं। और क्वांटिटी एंड क्वालिटी, और उसकी क्वांटिटी और यही ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, ये भी हमारे द्वारा ही यानी ये इसकी भी जवाबदारी हमारी होती है। और हम कह सकते हैं कि मीन्स ये भी हम डिसाइड करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स डिसाइड करते हैं। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। तो अब जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसके जो टाइप्स हैं उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं कुछ डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन अगर देखा जाए तो रिसोर्सेज हो सकते हैं बायोटिक और एबायोटिक। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी देखा जाए, है ना, तो रिसोर्स हो सकते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हो गया कि ये कहाँ से आए, ये बायोटिक है या एबायोटिक है, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी वो कितनी मात्रा पे अवेलेबल है, क्या वो एग्जॉस्ट कहीं आए मीन्स वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे, तो इस पर हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी कह सकते हैं रिसोर्स को। अब हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब होता है मालकियत, मालिक होना, है ना। तो इसमें हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि क्या वो इंडिविजुअल रिसोर्स है यानी किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का रिसोर्स है, कि वो एक कम्युनिटी का रिसोर्स है, कि वो एक नेशनल रिसोर्स है या इंटरनेशनल रिसोर्स है। वैसे ही हम ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट यानी उस डेवलपमेंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं कि क्या वो पोटेंशियल रिसोर्स है, कि वो डेवलप्ड स्टॉक रिसोर्स है, कि वो रिजर्व है, रिजर्व्स है। अब देखिए, एक एक करके हम इन रिसोर्सेज के बारे में और आगे जानते हैं। तो जैसे बायोटिक रिसोर्सेज आपके एग्जैक्टली होते क्या हैं, तो बायोटिक रिसोर्सेज ये हमें मिलते हैं बायोस्फीयर से, है ना। और ये बायोटिक रिसोर्स जो होते हैं हमें जो मिलते हैं बायोस्फीयर से, इनमें होती है लाइफ। जैसे कि ह्यूमन बीइंग ले लो या प्लांट्स ले लो या एनिमल्स ले लो, ये सब कौन से रिसोर्सेज हैं, बायोटिक रिसोर्सेज हैं, है ना। कि आप प्लांट्स ले लो, एनिमल्स ले लो या ह्यूमन बीइंग ले लो, ये सब क्या कहलाएंगे, आपके बायोटिक रिसोर्सेज कहलाएंगे। एबायोटिक रिसोर्सेज जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग जिनमें लाइफ होती है अगर वो बायोटिक रिसोर्सेज है, तो जिनमें लाइफ नहीं होती है वो एबायोटिक रिसोर्सेज है, है ना। ऑल दोज विच आर कंपोज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स यानी जिनमें लाइफ नहीं होती है, इन चीज़ों से बने हुए रिसोर्स को हम एबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि रॉक ले लो या मेटल ले लो, है ना। रॉक मेटल भी है, इनमें लाइफ नहीं होती लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं। रॉक इनमें भी लाइफ नहीं होती, हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, रिन्यूएबल यानी वापस से नया तैयार हो जाने वाले रिसोर्स को हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। अब इसका आप देखें तो एक ऑफिशियल इसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज।
यानी ऐसे रिसोर्स जो कि वापस से तैयार या वापस से तैयार किए जा सकते हैं, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस से हो, चाहे वो केमिकल प्रोसेस से हो, चाहे वो मैकेनिकल प्रोसेस से हो। जैसे कि ऐसे रिसोर्स जैसे आपके सोलर एनर्जी हो गई, ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ख़त्म नहीं होती, ये एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर वापस से तैयार हो जाती है। वैसे ही आपकी विंड एनर्जी हो गई, है ना, वाइंड हो गया, तो ये भी आपका रिसोर्स है। वैसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिन्हें रिन्यूड या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, है ना। जैसे कि आपका कोल, जैसे मैंने आपको बताया था, फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं आपके, है ना, इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के बाद इन्हें किसी भी तरीके से वापस रीजनरेट या रिप्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ये एक बार ख़त्म हो गए तो ये ख़त्म हो गए, बस इनकी कहानी ख़त्म यही। अब हम आगे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ये जो रिसोर्स जो होते हैं ये डिवाइड हो जाते हैं आपके कुछ पार्ट्स में। जैसे पहला होता है इंडिविजुअल। तो बेसिकली इंडिविजुअल होता क्या है, तो ये एक ऐसे रिसोर्स होते हैं जो कि प्राइवेटली किसी की मालकियत होती है, जिन पे यानी इसका कोई इंडिविजुअल ओनर होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो जैसे फार्मर हो गया, तो फार्मर हैविंग लैंड ओनरशिप, फार्मर जो होते हैं उनके पास लैंड ओनरशिप होती है। या अर्बन रीजन्स में या अर्बन एरियाज में हम देखते हैं तो लोग जो प्लॉट खरीदते हैं या फ्लैट्स खरीदते हैं या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं। वैसे ही कम्युनिटी रिसोर्स क्या होती है, तो कम्युनिटी रिसोर्स बेसिकली ऐसी रिसोर्स होती है जो कि एक्सेसिबल होती है उस कम्युनिटी के हर एक मेंबर के लिए, है ना। जैसे एक विलेज में हम विलेज का एक कुआं एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि एक विलेज है, वहाँ पे कुआं है जहाँ उस विलेज के उस गांव के हर लोग वहाँ से पानी भरते हैं या वहाँ का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो गया, वो कम्युनिटी रिसोर्स हो गया। वैसे ही तालाब ले लो, या अर्बन एरियाज में अगर आप देखोगे तो जैसे पब्लिक पार्क ले लो या कोई पिकनिक स्पॉट ले लो, ये सब क्या है, हमारे लिए कम्युनिटी रिसोर्स है, ये सब हमारे कम्युनिटी रिसोर्स है। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो नेशनल रिसोर्स भी होते हैं। तो नेशनल रिसोर्स है देखा जाए तो क्या होता था, देखो टेक्निकली अगर देखें तो देश में आने वाले हर रिसोर्स जो होते हैं वो नेशनल रिसोर्स है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कम्युनिटी वाले हो, है ना, तो वो हमारे क्या है, नेशनल रिसोर्स है। और हमारी कंट्री, और नॉट खाली हमारी कंट्री, हर देश के पास ये राइट्स होते हैं कि अगर देश के डेवलपमेंट के लिए किसी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को भी यूज़ करना पड़े तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स को भी इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं आपके नेशनल, ये नेशनल रिसोर्स होते हैं। अब इनका एग्जांपल क्या होता है, जैसे हम कहते हैं रोड, रोड किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, तो रोड एग्जैक्टली क्या है, तो ये नेशनल प्रॉपर्टी है, तो ये नेशनल रिसोर्स में आता है। कैनल्स आप ले सकते हैं, रेलवे या हम ब्रिज के बारे में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, है ना, तो ये ब्रिजेज हो गए या रेलवे हो गई, ये सब जितनी भी एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये सब नेशनल रिसोर्स के अंडर में आते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल रिसोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। तो इंटरनेशनल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो जो हम कह सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होती है वो इन रिसोर्सेज को रेगुलेट करती है, यानी वो इन रिसोर्सेज को ये करती है, कह सकते हैं कि इस टाइप के इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होती है वो इन रिसोर्सेज को अपने अंडर में, अपनी कस्टडी में रखती है, है ना। तो जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होती है, बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज़ की एक मीन्स मेंबरशिप होती है और वो ध्यान रखती है कि इस इंटरनेशनल रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल किया जाए। एग्जांपल के तौर पे जैसे ओशियन में मिलने वाला जो भी मिनरल है या ओशियन में मिलने वाली जो भी वैल्यूएबल थिंग्स है उस पर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का कोई भी ओनरशिप नहीं है, है ना। तो वो रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ओशियन से रिलेट करते हैं, ओशियन से रिलेट करते हैं यानी हम कह सकते हैं कि 200 नॉटिकल माइल्स से आगे जो भी रिसोर्स आते हैं उस पर किसी भी कंट्री का कोई यूज़ नहीं कर सकती, यानी वो कंट्री उस रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकती। अगर इसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की सहमति के बिना ही
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता जब तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें सहमति नहीं जताते या सहमति नहीं देते या परमिशन नहीं दे सकते, कोई भी पर्टिकुलर कंट्री उस रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकती। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड ऑफ डेवलपमेंट की। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे आते हैं आपके पोटेंशियल डेवलप्ड रिसोर्सेज या स्टॉक या रिजर्व्स, है ना। तो पोटेंशियल एग्जैक्टली होता क्या है, तो ऐसे रिसोर्स जो किसी रीजन में अवेलेबल है बट अभी तक इसे इस्तेमाल नहीं किया गया, इसे यूज़ नहीं किया गया है, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं। अब डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका सर्वे तो हो गया है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी फिक्स कर दी गई है ना, उसका सर्वे भी हो गया है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी फिक्स कर दिया गया है, पर उसके मीन्स उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को भी फिक्स कर दिया गया है ना, और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। अब स्टॉक के बारे में बात करते हैं, तो स्टॉक यानी एग्जैक्टली होता क्या है, स्टॉक को हम कह सकते हैं भंडार, है ना। तो स्टॉक को हम कह सकते हैं उसकी क्वांटिटी या भंडार, तो ऐसे मटेरियल जिनका पोटेंशियल इतना है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है पर हमारे पास सही टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेस को या ऐसे मटेरियल्स को या ऐसे रिसोर्सेस को हम स्टॉक रिसोर्सेस में काउंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आए, तो ऐसे मटेरियल या ऐसे रिसोर्सेस को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं स्टॉक रिसोर्सेस में। वैसे ही हम बात करेंगे रिजर्व्स के बारे में, तो रिजर्व्स को हम स्टॉक का एक हिस्सा कह सकते हैं। रिजर्व्स एग्जैक्टली क्या है, कि ये स्टॉक का एक हिस्सा है जिन्हें हम अवेलेबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, है ना, जिन्हें हम अवेलेबल टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं पर हमने यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है अभी, पर हमने इसे यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इसे हम हमारे फ्यूचर में आने वाली ज़रूरतों के लिए बचा के रखना चाहते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे मटेरियल जो होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, रिजर्व्स कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल रिसोर्स, डेवलप रिसोर्स, स्टॉक रिसोर्स और रिजर्व रिसोर्सेज जो होते हैं, तो पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या होता है आपका, तो पोटेंशियल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल आपके ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम ऐसे रिसोर्सेज जो किसी रीजन में अवेलेबल हैं और इन्हें हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं आपके पोटेंशियल रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स आपके एग्जैक्टली क्या होते हैं, कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका सर्वे हो गया, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी फिक्स कर दी गई है, ऐसे रिसोर्सेज डेवलप्ड रिसोर्सेज। स्टॉक एग्जैक्टली क्या है, तो स्टॉक ऐसे रिसोर्सेज हैं, है ना, ऐसे रिसोर्सेज या ऐसे मटेरियल है जिनका पोटेंशियल इतना है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है पर सही टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके कारण हम उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, है ना। वैसे ही आपका रिज़र्व हो गया, तो रिज़र्व ऐसे रिसोर्सेज हैं या ऐसे मटेरियल हैं जो बेसिकली हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से यूज़ तो कर सकते हैं पर कर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि उसे हम अपने आने वाले भविष्य के लिए बचा के रख रहे हैं। तो यहीं पे फ्रेंड्स मेरा पार्ट वन ख़त्म होता है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर का पार्ट वन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं अपने वीडियोज़ को पहुँचा सकूँ।